न्यूज 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, आयुष्मान योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग शामिल कर दिए गए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिलेगा। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। तो ये ऐलान सरकार की ओर से पहले ही किया गया था कि अब बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत लाने पर सरकार काम कर रही है और अब 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो अभी तक आयुष्मान योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा था, लेकिन अब 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को शामिल कर लिया गया है, चाहे वो किसी भी आर्थिक कैटेगरी में हो। तो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग आयुष्मान योजना के तहत 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेंगे किसी भी बड़े अस्पताल में। स्कीम जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है, ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा।